तो आज हम लोग खड़े हैं एक इंडियन सेडान के सामने जिसका नाम है टाटा जेस्ट। 6,21,000 रुपये से शुरू होती है और 9,99,000 रुपये इसके टॉप मॉडल की प्राइस है। ये गाड़ी जो वीडियो में चल रही है इसका नाम है टाटा जेस्ट XE75 PS डीजल मॉडल। 7,39,000 रुपये की है और 13,500 रुपये से इसकी EMI स्टार्ट होती है। और अब बात कर लेते हैं इसके कुछ स्पेसिफिकेशन और फीचर की। तो ये इसके हेडलैम्प्स कन्वेंशनल दिए गए हैं। डोर हैंडल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको डोर हैंडल ब्लैक मिलेगी और इसी के साथ आपको कुछ स्पेस मिलता है और एक बोतल होल्डर, स्पीकर मिलते हैं डोर्स पे और ORVM कंट्रोल इंटरनली एडजस्टेबल है। ये इसके ड्राइवर AC वेंट और यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है एनालॉग। यहाँ पे आपको सेफ्टी के लिए एयरबैग नहीं मिलती है और ये इसकी स्टीयरिंग टिल्ट दी गई है। यहाँ पे कुछ लाइट कंट्रोल और वाइपर कंट्रोल, ये इसके AC वेंट्स। आगे बात करते हैं इसके बूट की। तो यहाँ पे 390 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है। तो यहाँ पे लॉक्स एंड सिक्योरिटी की बात करें तो आपको लॉक एंड सिक्योरिटी में इंजन इमोबिलाइज़र मिलता है, सेंट्रल लॉकिंग मिलती है विद की और स्पीड सेंसिंग डोर लॉक यहाँ पे आपको मिलता है। और यहाँ पे एक चीज़ और मिलती है, चाइल्ड सेफ्टी लॉक। तो ये इसके ORVM जो कि ब्लैक कलर के दिए गए हैं। और बात करते हैं इस गाड़ी के टायर साइज़ की। तो टायर साइज़ की बात करें तो आपको मिलता है 175x65 R14 का टायर, फ्रंट और रियर दोनों। और बात करते हैं इसके ब्रेक्स की। तो आपको ब्रेकिंग सिस्टम में भी खास नहीं मिलता कुछ भी, जैसे कि ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन यानी EBD, ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। और यहाँ पे ये इसकी बैक लुक, टेल लैंप्स यहाँ पे कन्वेंशनल दी गई हैं जेस्ट की, बैचिंग दी गई है और XE साइड व्यू। ये इसकी टेल लैंप, टाटा जेस्ट XE75 PS डीजल मॉडल है ये। यहाँ पे आपको ब्रेक, जो फ्रंट की ब्रेक है वो डिस्क मिलेगी और रियर ब्रेक आपको ड्रम मिलती है। बात करते हैं इस गाड़ी के मिनिमम टर्निंग रेडियस की। तो 5.1 मीटर का इसका मिनिमम टर्निंग रेडियस दिया गया है। ये इसकी फ्रंट लुक, ग्रिल्स के साथ टाटा की बैचिंग बीच में और ऊपर इसका क्रोम फिनिश। लाइटिंग सेक्शन में आपको हेडलैम्प्स कन्वेंशनल मिलते हैं और टेल लैम्प्स भी कन्वेंशनल हैं। केबिन लैम्प्स यहाँ पे फ्रंट के लिए है और हेडलाइट हाइट एडजस्टर दिया गया है। इस गाड़ी के लिए टाटा 2 साल की और 1,00,000 किलोमीटर तक की वारंटी देती है। और ये इसकी फ्रंट लाइटिंग, हेडलैम्प्स। गाड़ी में आपको बॉडी कलर्ड बम्पर्स मिलते हैं और कप होल्डर्स यहाँ पे केवल फ्रंट के लिए दिया गया है इस गाड़ी में। बात करते हैं इसके कुछ और सेक्शन की। तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले इंजन की। तो इस गाड़ी में 1248 CC का डीजल इंजन लगा हुआ है, क्वाड्रा जेट का, और मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 74 BHP एट द रेट ऑफ 4000 RPM और मैक्सिमम टॉर्क है 190 Nm एट द रेट ऑफ 1750 RPM का। इस गाड़ी के माइलेज की बात करें तो ये आपको देती है 22 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज, कंपनी क्लेम करती है 23 किलोमीटर प्रति लीटर।
और टर्बो चार्ज है इसका, टर्बो चार्जर। टर्बो चार्जर टाइप की बात करें तो यहाँ पे आपको फिक्स ज्योमेट्री का टर्बो चार्जर मिलेगा। ट्रांसमिशन सिस्टम की बात करें तो मैनुअल 5 गियर्स के साथ आपको मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम मिलेगा। और ड्राइव ट्रेन, यहाँ पे आपको फ्रंट व्हील ड्राइव मिलती है। बात करते हैं इसके अल्टरनेट फ्यूल की, नॉट एप्लीकेबल हियर। सिलेंडर्स 4 इसमें मिलेंगे आपको, 4 सिलेंडर का इंजन दिया गया है इनलाइन। और 4 वॉल्स हैं। सिलेंडर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको DOHC का सिलेंडर कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। बोर बाई स्ट्रोक यहाँ पे आपको 69.6 mm बाई 82 mm का मिलता है। और कंप्रेशन रेशियो आपको 17.1:1 का मिलेगा। तो अब बात करते हैं इसके कुछ इंटीरियर सेक्शन के बारे में। तो पहले फ्रंट डोर खोलकर देखते हैं। यहाँ पे कप होल्डर, डोर हैंडल्स वगैरह मिलती है। बात करते हैं इसके इंटीरियर सेक्शन की। तो यहाँ पे आपको ये ड्राइवर के लिए एसी वेंट और एसी यहाँ पे आपको मैनुअल मिलती है। इसकी स्टीयरिंग टिल्ट है। और बात करते हैं इसके टकोमीटर की, तो ये आपको एनालॉग मिलता है। बात करते हैं इसके एसी की, तो यहाँ पे बीच में आपको 2 AC वेंट्स मिलते हैं। ये कुछ एसी कंट्रोल्स, ये इसका गियर और ये हैंड ब्रेक। कप होल्डर के साथ आता है। डिस्प्ले की जगह पे आपको कुछ नहीं मिलता। और यहाँ पे फ्रंट पैसेंजर के लिए एक एसी वेंट। तो यहाँ पे बात करते हैं इसके 12V पावर आउटलेट की, तो यहाँ पे एक 12V पावर आउटलेट मिलता है, मोबाइल चार्जर। ये इसकी ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट मैनुअल दी गई है। और ये इसके पैडल्स, एसी वेंट वहाँ पे भी दिया गया है। ये इसकी ड्राइवर सीट और ये केबिन लैंप, ये इसका रियर व्यू मिरर, रियर पैसेंजर सीट्स। तो आगे बात करते हैं इसके हीटर की, हीटर इज़ ऑल्सो अवेलेबल। वैनिटी मिरर्स यहाँ पे आपको को ड्राइवर के लिए मिलेंगे। और ये इसकी रियर पैसेंजर डोर, रियर के लिए डोर ऐसा दिखता है कुछ। और इसमें भी आपको एक कप होल्डर मिलता है और एक स्पीकर। बात करते हैं इसके रियर एसी वेंट की, तो यहाँ पे आपको नहीं मिलता है, कुछ ऐसा दिखता है रियर से फ्रंट की तरफ। बात करते हैं इसके सीट अपहोल्स्ट्री की, तो यहाँ पे आपको सीट अपहोल्स्ट्री फैब्रिक मिलती है। ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट मैनुअल और फ्रंट पैसेंजर सीट एडजस्टमेंट भी मैनुअल है। रियर पैसेंजर सीट्स यहाँ पे बेंच दी गई हैं। और सिंगल टोन का इसका इंटीरियर है, ब्लैक है इसके इंटीरियर कलर्स। और बात करते हैं इसके फ्रंट सीट पॉकेट्स की, तो यहाँ पे अवेलेबल है। और हेड रेस्ट यहाँ पे फ्रंट और रियर दोनों के लिए अवेलेबल है। सीट बेल्ट वार्निंग यहाँ पे सेफ्टी फीचर में एक चीज़ दिया गया है, सीट बेल्ट वार्निंग। तो आगे बात करते हैं इसके एक्सटीरियर सेक्शन की, तो यहाँ पे आपको बॉडी कलर्ड बम्पर्स मिलते हैं, उसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं मिलता। तो यार आगे बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंटेशन की, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे आपको एनालॉग मिलता है। यहाँ पे आपको मिलता है ट्रिप मीटर, मल्टी फंक्शन डिस्प्ले। और यहाँ पे एवरेज फ्यूल कंजप्शन, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस टू एम्प्टी, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। क्लॉक डिजिटल दी गई है और लो फ्यूल लेवल वार्निंग है इसमें। डोर रिजर्व वार्निंग, गियर इंडिकेटर, शिफ्ट इंडिकेटर यहाँ पे डायनेमिक है। और टेकोमीटर एनालॉग दिया गया है। इसी के साथ यहाँ पे आपको इंस्टेंटेनियस कंजप्शन भी दिया गया है। ये इसकी बैक लाइटिंग, ये फ्रंट लुक। तो इस मॉडल में आपको एंटरटेनमेंट सेक्शन में भी कुछ नहीं मिलता है, जैसे कि इन डैश म्यूजिक सिस्टम वगैरह। हेड यूनिट साइज़ यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है। तो एंटरटेनमेंट सेक्शन के मामले में ये गाड़ी ज़ीरो है। हालांकि इसके टॉप मॉडल में सारे फीचर्स आपके आते हैं। और इस गाड़ी में आपको फ्रंट के लिए कप होल्डर्स मिलते हैं और फ्रंट के लिए आपको पावर विंडोज़ भी मिलती हैं। और 1 टच डाउन यहाँ पे ड्राइवर के लिए केवल दिया गया है, ये इसके टैकोमीटर। तो अब बात करते हैं इसके वेरिएंट्स के बारे में। 11 वेरिएंट्स हैं कुल मिलाकर, कौन सा वेरिएंट कितने में आता है। तो ये वीडियो शूट हुआ है अनन्या मोटर्स, टाटा मोटर्स, द्वारिकागंज, सुल्तानपुर में।
तो सबसे पहला इसका बेस मॉडल है एक्सी पेट्रोल, 6,21,000 रुपये, और XM पेट्रोल इसका दूसरा मॉडल है, 6,97,000 रुपये, XMS पेट्रोल 7,18,000 रुपये, XE75 PS डीजल 7,39,000 रुपये, XT पेट्रोल पेट्रोल और ये आता है 7,83,000 रुपये का, XM75 PS डीजल 8,09,000 रुपये, और XMS 75 PS डीजल 8,39,000 रुपये, प्रीमियो डीजल 8,64,000 रुपये, और XMA डीजल ऑटोमेटिक 9,08,000 रुपये, XT डीजल 9,09,000 रुपये, और XTA डीजल ऑटोमेटिक 9,99,000 रुपये। ये इसका टॉप मॉडल है, XTA डीजल ऑटोमेटिक है, और यहाँ पे आपको सारे फीचर्स, लगभग सारे फीचर्स मिल जाते हैं, और स्पेसिफिकेशंस भी काफ़ी दमदार है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, और कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और लाइक कीजिए इस वीडियो को, और शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप एंड फेसबुक पे, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए इस चैनल को, और उस बेल आइकन को दबाइए ताकि मैं जब भी नए वीडियोस डालूँ तब तक डायरेक्ट नोटिफिकेशंस पहुँच जाएँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय।